थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया है अभी, खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, सैंडविचेस वगैरह ऑर्डर करे, चाय दूध भाई ले रहा है, भाई जिम वाला लौंडा है। वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ चैनल ड्राइविंग कॉर्नर। दोस्तों मैं और मेरा दोस्त हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए। तो अभी बाइक सेट कर लिया हमने बिल्कुल, मतलब लगेज बांध लिया है और बहुत मेहनत लगी है लगेज बांधने में। अगर बताऊँ उसके बारे में तो भाई पूरी अच्छी अच्छी हुई है लगेज बांधने में। दोनों के बैग बड़े बड़े थे और बंद नहीं रहते बिल्कुल भी, तो बड़ी मुश्किल से हमने लगेज बांध लिया है। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन देते, नाम बता दे अपना। शॉन गार्डियन है। तो हमारे साथ अभी ये जा रहा है, तो रास्ते में पूरी फुल मस्ती होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, वो कुछ देर में बताऊंगा। अभी आए हैं हम यहाँ पे मयूर ढाबे पे, पूरा थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया है अभी, खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, सैंडविचेस वगैरह ऑर्डर करे, चाय दूध भाई ले रहा है, भाई जिम वाला लौंडा है। तो ये है कुछ यहाँ का माहौल। अपनी बाइक यहाँ पर पार्क है, अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आगे भी और होप अच्छा करे। तो अभी तक तो यही है, फिर रास्ते में मिलेंगे। यार अभी हम लोग करनाल छोड़ करके ये कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। तो हाईवे बहुत बढ़िया है, स्पीड अच्छी मेंटेन हो रही है, अराउंड 90 के करीब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक मुझे देखने को नहीं मिल रहा और बहुत ही बढ़िया चल रही है बाइक। तो यार ये जो है, ये कुरुक्षेत्र वाला जो धनुष बना हुआ है, ये वाली जगह आ चुकी है। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक लुधियाना और एक चंडीगढ़। तो हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। चंडीगढ़ सिटी, जानते हैं चंडीगढ़ सिटी, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताओ यार, बड़ी स्ट्रिक्ट पुलिस है। मतलब हर 200-300 मीटर पे भाई धर धर के पकड़ रहे हैं बंदों, पकड़ पकड़ के, मतलब ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। आगे ट्रैफिक लाइट को देख रहे हैं बंदे क्या कर रहे हैं। इस टाइम पे मुझे सेक्टर तो मालूम नहीं है, लेकिन अराउंड मैंने जो पढ़ा था अभी 30-37 सेक्टर के करीब यहाँ पे है। तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, 5-10 मिनट के लिए रुके हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींच रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं आसपास सिटी कैसी है। देन यहाँ से अभी हम सीधा चलेंगे मनाली की तरफ में। बेसिकली सीधा रोड जा रहा है, तो हमने गलती से टर्न मिस कर दिया, मतलब बाईपास ना लेकर के हम सिटी में एंटर कर गए गलती से। चलो गलती सही, लेकिन गलती जो हुआ सो हुआ। अब थोड़ी सिटी एक्सप्लोर करने को मिली, तो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे मनाली की तरफ में। और अभी यहाँ थोड़ी चंडीगढ़ की वाइब ले रहे हैं, देन मिलते हैं रास्ते में। ओ ये हम चंडीगढ़ से कुछ एग्जिट पॉइंट पहुँच चुके हैं। एक कचरे का पहाड़ दिल्ली से बाहर निकलने पर आता है, और एक यहाँ पर चंडीगढ़ से निकलने पर, ये चंडीगढ़ में कचरे का पहाड़ है। तो अभी ये जो नज़ारा देख करके लग रहा है कि पहाड़ जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो लीजिए हम फिर से आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग के व्यू में, और मोटो ब्लॉगिंग के साथ आपको रास्ते दिखाना बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ से जो है ये थोड़े बहुत कर्वी रास्ते जो हैं मोड़ वाले, वो शुरू हो रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से। बस कुछ टाइम में हम लगभग अब मतलब पहाड़ों की जो चढ़ाई वाला पोर्शन है वो शुरू कर देंगे इस जगह से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मोटो ब्लॉग वाले व्यू से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो हमने करीबन यहाँ पर 200 किलोमीटर क्लॉक कर लिए हैं।
बाइक पे और चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरे घर से अगर मनाली के बारे में बताऊँ तो मनाली करीबन 570 किलोमीटर पूरा पूरा है, लेकिन अभी 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, तो जाना है बिलासपुर। बिलासपुर में लेंगे शायद कोई स्टॉप लेंगे या फिर कंटिन्यू रखेंगे अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो। देखना है अभी नेक्स्ट खाने के लिए कहाँ रुकते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ इतना सोचा नहीं है, बस चले जा रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। कि हम मोटिव ये है कि रात होने से पहले हम एक बार बस मनाली या उसके आसपास तक पहुंच जाए ताकि हमको रात में लेट ना हो। यार ये है वो जगह जहाँ से जो है हमें पहला नज़ारा देखने को मिलता है पहाड़ों का। मतलब यार पहाड़ यहाँ से देखते हैं तो एक तरह से मोटिवेशन आ जाता है कि हमें आगे चलते रहना चलते रहना। तो ये जगह के बारे में बताऊँ तो जगह है कोई बद्दी नाम की जगह है। तो अभी यहाँ कोई नालागढ़ देन बिलासपुर हमें वहाँ पे जाना है, उसको पार करना है, फिर आगे मंडी की तरफ जाएंगे। तो ये वाली जगह देख रहे हो यहाँ पे रोड इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि क्या बताऊँ। और ट्रक की तो पूछ मत, मतलब ट्रक ही ट्रक यहाँ पे चल रहे हैं और रोड में बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रोड है ही नहीं, मतलब अनइवन सी सरफेस है और जो गड्ढे वड्ढे उस पर इतने पैच भर रखे हैं, इतने पैच भर रखे हैं और बाइक पूरी हिलते हुए जा रही है। मतलब झटके जो है ना, ये देखो यहाँ पर झटके इतने फील हो रहे हैं हमको चलाने में कि मतलब पूछो मत यार। यहाँ पर जितनी भी कमर में हल्के फुल्के दर्द थे ना वो बढ़ा दिए इसने, ये दो गड्ढे कितने बड़े, मतलब ट्रक ही ट्रक। और वैसे तो ट्रैफिक नहीं है बाकी गाड़ियों का, लेकिन ट्रक्स बहुत है इस रास्ते में आपको देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। यार रोड तो इस जगह पे इतनी ख़राब है उसके बारे में पूछो मत, लेकिन जो नज़ारे हैं वो कतई जहर है। उसके बारे में क्या बोलूँ, यहाँ से जो पहाड़ों के नज़ारे दिख रहे हैं ना, एक नंबर के यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं। सामने में इतना मस्त नज़ारा मिल रहा है, लेकिन रोड वो बस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। देख सकते हो कितने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, लेकिन नज़ारों की बात ही अलग है। ये अभी कोई इतनी ब्यूटीफुल सी जगह पे पहुँचे हैं पूछो मत। तो मैं इंस्टाग्राम पर अपने लाइव अपडेट देता रहता हूँ, नीचे आने वाले हैंडल पे जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो यह है कुछ रोड का हाल और आप देख रहे हैं ट्रक ही ट्रक यहाँ पे चलते हैं। थोड़े टाइम बाद एक बाइक वाला दिखाए तो मैं चलो इसको फॉलो कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से खाली खाली जा रहे थे, तो रोड में जो अब थोड़ा सा ढलान वाला पोर्शन आया है और काफ़ी टाइम से चढ़ाई चढ़ाई कर रहे थे, अभी जाके थोड़ी ढलान वाला पोर्शन आया है, काफ़ी सही लग रहा है चलाने में। लेकिन रोड बहुत ख़राब है और अभी रोड इतनी पतली तो हुई नहीं है, रोड चौड़ी है। तो मैं कोशिश भी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम आगे जितना आगे पहुंच सके, जितना फास्ट पहुंच सके उतना अच्छा है। बस ये पहाड़ी वाले रास्ते जितनी जितनी जल्दी ख़त्म होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जा कर के हमारे और ज़्यादा बड़ी पहाड़ी आने वाली है। तो सूरज भी अभी ढलने के टाइम हो रहा है, मतलब शाम के करीब हो चुके हैं। तो बस यार लगता है कि अब अंधेरे में ही अब हम मनाली पहुंच पाएंगे। तो बंजर पड़े उन पहाड़ों को छोड़ करके अब यहाँ से कुछ हरे वाले पहाड़ थोड़े दिखने शुरू हो चुके हैं और बहुत बढ़िया वाइब आ रही है। तो पहाड़ के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे जाके उस रेड बटन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेट होते रहे और आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहे। तो अभी रात हो चुकी है, मतलब अंधेरा होने वाला है,
तो अभी चले जा रहे हैं, पता नहीं मनाली कितना दूर है। तो बस लगता है अब बैटरी भी फ़ोन की डाउन होने वाली है और स्टोरेज भी शायद फुल हो चुका है, तो शायद इसके बाद आपको सीधा मनाली मिलेंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपसे के साथ ऐसे मेरी आने वाली वीडियो फटाफट आप तक पहुँच जाए। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।